सभी जो सीनियर अच्छा काम कर रहे हैं चाहे कोई भी, और जिसका अच्छा काम होता है उससे देखते हैं, सीखते हैं, और जो भी सीनियर्स हैं, है ना, कोई पर्टिकुलर की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जिनका भी अच्छा काम होता है उससे देखते हैं, उससे सीखते हैं। संजीव भाई, फिल्म का नाम है प्रेम तपस्या, आपने कभी तपस्या किया प्रेम के लिए? नहीं, अभी तक तो प्रेम के लिए कोई तपस्या नहीं की है। कोई अभी फिल्म नहीं आई है? नहीं, अभी कोई नहीं। ख्यालों में कुछ तो बताइए। नहीं, अभी ऐसा कुछ है नहीं, होगा तो बताऊंगा मैं। इस सिनेमा से जुड़े और कुछ बताना चाहेंगे? मेरी एक फिल्म आई थी अभी बद्रीनाथ, उसका ट्रेलर देखने के बाद जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे पसंद किया, इसके लिए सेलेक्ट किया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे काम को देख करके मुझे काम मिला, और मेरी कोशिश है कि आगे आगे और अच्छा काम करूँ। जो अनाउंस होने वाली है 3 या 4 तारीख को, मेंटल है, और एक फिल्म और है वो लड़की बहुत याद आती है, 2 फिल्में हैं जो कन्फर्म है जिसको हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। फिल्म जो है वो सेंसर में है, और जैसे सेंसर सर्टिफिकेट आएगा होली से पहले हम लोग इसको रिलीज करेंगे। बद्रीनाथ या इसमें? अच्छा, इसमें जो है बद्रीनाथ के बारे में टीजर आप लोग ट्रेलर देख चुके हैं, गाने जल्दी आने वाले हैं, फिल्म भी जल्दी देखने को मिलेगी। उसमें जो नायिकाएं हैं उनके बारे में ट्यूनिंग अच्छी है तभी तो फिल्म कंप्लीट हुई, और सारी एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी हैं जिन्होंने भी काम किया है, और बहुत अच्छा काम किया है सबने, और एक टीम वर्क है, सब मिल के करते हैं, कोई अकेले का मेरा योगदान नहीं है, पूरा टीम वर्क है। बद्रीनाथ को लेकर यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी प्रेम कहानी है बद्रीनाथ, कॉमेडी है, एक्शन है, तो आप लोग होली से पहले आए तो आप लोग जाके देखते हैं। प्रेम तपस्या के बारे में बात करें, इसमें आपकी एक नई हीरोइन आपके साथ है, पहली बार काम कर रही हैं, इंटरेस्टिंग में नहीं है लेकिन आप उतनी नहीं है। डायरेक्टर सर ने इनका जो है वो सिलेक्शन किया है करेक्टर को देखते हुए, प्रेम तपस्या के लिए मोहिनी जी का, मोहिनी घोष का, तो मैं उनसे मिला नहीं था पहले, इस फिल्म के दरमियान ही मिला उनसे, और अच्छा लगा मुझे, अब देखते हैं काम करके और अच्छा लगेगा। बहुत 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 अच्छा हुआ है, और बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत चीज़ों को समझते हैं, मुझे समझाते हैं, बताते हैं, हमारी चर्चाएं भी 3-4 बार हुई है कहानी के ऊपर, और मैं बहुत कन्विंस हूँ उनकी कहानी को लेकर। नहीं, डायरेक्टर सर बहुत टैलेंटेड हैं और मुझे बहुत मानते हैं, तो मैं लकी हूँ कि मुझे काम करने का मौका मिल रहा है उनके साथ। अब तक आपकी जो फिल्में आने वाली थे, अलग अलग लुक आपको देखने को मिला है। जी जी जी, 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 जी। अब इस फिल्म में कितना अलग है? इस फिल्म का लुक आप लोग देख रहे हैं पोस्टर पे, तो यही नया लुक है इस फिल्म के लिए। हाँ, संजय भी हैं, संजय पांडे जी हैं इसमें विलेन, और उनके साथ मैं 2 फिल्में कर चुका हूँ, ये 3री फिल्म होगी उनके साथ। उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सीखता हूँ उनसे, और बहुत कॉपरेट करते हैं, बहुत सिखाते हैं, जहाँ भी मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे बताते हैं, क्योंकि सीनियर है, 200 फिल्में कर चुके हैं, तो बहुत कॉपरेट करते हैं बड़े भाई की। बॉलीवुड की बात की जाए तो अजय देवगन साहब की आंखें बोलती हैं, आंखों के अपने दिखते हैं, और आप तो भी पोस्टर से आंखों सबने दिखते हैं, आपकी आंखें बोल रही हैं। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकता, और किसी का कंपेरिजन किसी से नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने आप में जो मेरे स्किल्स हैं मैं उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ, स्किल्स को डेवलप कर रहा हूँ, और सीखता हूँ और सीख रहा हूँ। आपके ड्रीम रोल की बात की जाए तो कोई किरदार है जो आपने जीवन में फिर निभाए नहीं या निभाने वाले हैं? हाँ, एक मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट आ रहा है, वो लड़की बहुत याद आती है, जिसमें मैं हूँ, पाखी हेगड़े जी हैं और चांदनी सिंह हैं, जो हम 4 या 5 तारीख को अनाउंस करने वाले हैं। जैसे कि हर एक हीरो को अपनी एक इमेज बनाना चाहता है, तो आप किस इमेज में, एक्शन स्टार या नंबर बॉय? नहीं, इमेज तो देखिए, जैसी फिल्में आपको मिलेंगी आपकी फिल्मों से आपकी इमेज बनेगी, इमेज आप खुद नहीं बनाते हैं, जैसा आप काम चुनते हैं, जैसा आप काम करेंगे वैसी इमेज आपकी बन जाएगी। तो मेरे हिस्से में जो काम आ रहे हैं, तो अभी तक सारी एक्शन फिल्म आई है, तो अभी तक जो इमेज आई है वो एक्शन की बन रही है, अब आगे देखते हैं, कॉमेडी करने का मौका मिलेगा तो कॉमेडी भी करेंगे। हाँ, रैम्बो राजा की फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, और इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के शुरू में हम लोग इस फिल्म का ट्रेलर आप लोग देख पाएंगे। आपकी हीरोइन मोहिनी जी आ चुकी है, मोहिनी जी से ज्यादा बात हुई नहीं है तो मैं इनके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, ये अपने बारे में खुद बताएंगे। आपने काफी तारीफें की मोहिनी जी, आपकी? हाँ, मैं जो मेरी इनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बेसिस पे मैंने कहा कि मुझे अच्छी लगी, अब अपने बारे में ये बताएंगे, पूरी जानकारी तो मैंने दी नहीं। क्या कहना चाहेंगे प्रेम तपस्या में, आपके प्रेम में जो तपस्या कर रही हैं और तपस्या का परिणाम आपके हीरो आपके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मोहिनी घोष का प्रणाम, नमस्कार। एक नई टीम के साथ मैं जुड़ने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत जल्द इस मूवी का शूट भी करने वाला है, मेरे बगल में मेरा हीरो खड़े है, तो इनके बारे में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी, जितना टाइम में मुलाकात हुई, जितना टाइम में जितना सारी बातें हुई,
बहुत अच्छे हैं और आई होप मुझे काम करके भी बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार उनके साथ ट्यूनिंग वाली है। वैसे मेरा ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहता है कोई भी हो, लेकिन इनके साथ और, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है एंड बहुत माइडियर इंसान है, तो इनके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम तपस्या की बात की जाए तो फिल्म के बारे में बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? प्रेम तपस्या के बारे में ऐसे तो सबको ही बोलते हैं कि एक नई मूवी है, एक अलग मूवी है, तो इसमें जो भोजपुरी से थोड़ा सा माने भोजपुरी है बट पूरा पूरी मैं वो नहीं बोलूँगी कि माने सब कुछ वो से जैसे मसाला वो सब रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं रहेगा जितना एक फैमिली के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो, तो इस मूवी में आप लोगों को वो दिखने को मिलेगी। ये भी ना डायरेक्टर ज़्यादा बोल पाएंगे अच्छा से, थोड़ा सा सस्पेंस। वही मैं बोली पहले ही कि एक नई टीम के साथ मैं जुड़ने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ काम करके। हमारे डायरेक्टर सर उधर खड़े हैं, उनको भी बुला लेते तो अच्छा रहता। तो हमारे डायरेक्टर है जो राजेंद्र गुप्ता, राजेंद्र वर्मा जी, हाँ, तो हमारे डायरेक्टर है राजेंद्र वर्मा जी, तो उनके साथ मैं पहली मूवी मेरी, और मेरे हीरो जो है बगल में संजीव जी, इनके साथ भी मेरी पहली मूवी है, तो बहुत अच्छा हम लोग अच्छा करेंगे, पूरा टीम मिलके बहुत अच्छा करेंगे। आपके फिल्म में कौन कौन गाने वाले हैं? जी मेरी दो मूवी है अभी मार्केट में, एक राधे जो रवि किशन जी एंड कल्लू जी के साथ है जो बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों के सामने, एंड और एक है गोलू जी के साथ, उनका नाम है मिली तो मिली ना तो जय सिया राम। और क्या कहना चाहते हैं, सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। 2019 में मैं मूवी का शूट की बब्बर की, मेरा फर्स्ट मूवी, एंड मैं सेकेंड मूवी करने जा रही हूँ प्रेम तपस्या था। आगे भी बहुत सारी मूवीज़ है जो मैं करने जा रही हूँ, लेकिन अभी कुछ मीडिया के सामने नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा सस्पेंस रखूँगी। संजीव जी, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा शुरुआत रहा और नए साल पे मेरे लिए तो अच्छा रहा, क्योंकि मेरी फिल्म का जो है तो वो ट्रेलर आया और चीज़ें आई, मेरा काम देखने को मिला, तो मेरे लिए तो अच्छा रहा। और नया पुराना साल क्या है, आप अच्छा काम करें तो ही नया साल है।
नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैडम आप अपने पिक्चर के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैडम आपकी नई मूवी है। आज मैं इस मुहूर्त में प्रेम तपस्या मेरी मूवी का नाम है, जिसमें मेरे ऑपोजिट में संजीव जी है, संजीव मिश्रा जी मेरे हीरो है इस मूवी में, और मैं एक नई टीम के साथ जोड़ने जा रही हूँ। आप लोग बस बहुत प्यार कीजिए हम लोगों को और बहुत सपोर्ट कीजिए कि हम लोग बहुत जल्द इस शूट को पूरी करें और आप लोगों के सामने ले आए। मैडम आप कितने मूवी में काम किए हैं? आपकी कौन सी कितनी मूवी है, मतलब बता सकती हैं इसके बारे में कुछ? अभी मेरी भोजपुरी में मुझे ठीक मैं गिनी नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मैं मूवी कर चुकी हूँ भोजपुरी में, और आगे भी कोशिश है ऐसे ही कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट है तो ऐसे ही आगे हम लोग मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊँ। अभी 2019 में मैडम आपकी कौन कौन सी मूवी आने वाली है? 2019 में मेरी मूवी आने वाली है बब्बर, राधे, रवि किशन और कल्लू जी के साथ, और गोलू जी के साथ आ रहे हैं मिली तो मिली ना तो जय सिया राम, और बब्बर जो मैं मूवी फर्स्ट जो मैं नाम ली वो भी कल्लू जी के साथ ही है। सो 2019 में आप लोगों का प्यार आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। मैडम गणतंत्र दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सॉरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अच्छा, 26 जनवरी के लिए बस इतना ही बोलूँगी कि जितने सारे सैनिक लोग हैं आज उन लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे इस जगह पे हम लोग खड़े हैं। आज अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ही हम लोग नहीं होते यहाँ पे, तो उनको सल्यूट है उनको कि वो लोग ऐसे ही वो लोग हमेशा भगवान उन लोगों को सुरक्षा देते रहे और अच्छा रहे रखे ताकि हम लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। मैडम बोलते हैं लोग कि फरवरी का महीना प्यार मोहब्बत का होता है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? वैसे प्यार तो अभी तक की चीज़ें की नहीं हूँ, बाकी सुनी हूँ कि वैलेंटाइन डे आने वाले हैं तो बहुत जल्द, तो ऐसे लोग जो लोग कपल हैं जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उन लोगों के लिए बहुत खास दिन होता है उस दिन, ऐसे अच्छा लगता है सुन के कि लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले मुबारकबाद जब आपको इस फिल्म के बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है अपने ससुर जुड़ के इस फिल्म से और क्या विषय है इस फिल्म का? सबसे पहले तो भोजपुरी अड्डा देखने वालों को मोहिनी घोष की प्रणाम नमस्कार। हाँ, आज मुहूर्त प्रेम तपस्या की मुहूर्त यहाँ पर चल रही है और मैं एक नई टीम के साथ जुड़ने जा रही हूँ जो मुझे जोड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी टीम जो है, टीम में जितने सारे लोग हैं मेरे हीरो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों से मिलके बातें करके जो मुझे लगा कि बहुत अच्छे हैं और हम लोग बहुत जल्द इस मूवी का शूट भी करने जा रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस आप लोग करते रहिए कि हम लोग इस मूवी का शूट बहुत अच्छा से कर पाए। तो ये अनुजाओं का शुरुआती दौर के बारे में, कहाँ जन्मी, कहाँ पली बढ़ी और अभिनय क्षेत्र में कैसे आएँ, क्या आकर्षित को क्षेत्र आने के लिए? मैं बेसिकली हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, मैं मेरी पढ़ाई लिखाई स्कूल वो फैशन सब कुछ आपका कलकत्ता से ही हुआ है। मैं 2010 में मिस कलकत्ता बन चुकी हूँ, कोलकाता अपरूपा मिस कोलकाता। तो उसके बाद मेरा वैसे बचपन से मैं इस लाइन में हूँ, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से मेरी चाइल्ड में बहुत सारी मूवीज़ है। मैं नंदन फिल्म फेस्टिवल के लिए भी मेरी एक मूवी गई थी, तो वहाँ से मेरा दौर स्टार्ट हुआ और दौर चलते 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 भोजपुरी में आके रुक गई। तो मुनी जी अभिनय नई चीज़ नहीं है, आपने खुद कहा कि बचपन से आप एक्टिंग कर रही हैं, वो बंगाली फिल्म काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री है, तो फिर भोजपुरी में आकर्षण क्यों हुआ आपको? भोजपुरी में आकर्षण ये हुआ क्योंकि मैं जहाँ पे पली बड़ी हूँ तो यूपी बिहार के लोग वहाँ पे ज़्यादा, और भोजपुरी भाषा इतना मीठा है कि किसी को भी प्यार होता है उससे, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा अपना टाइम भोजपुरी की तरफ देने लगी, तो एक के बाद एक मूवी करते करते मैं इस जगह पे आके पहुँची। अगर तुलना करें बंगाली फिल्म की और भोजपुरी फिल्म की तो बंगाली फिल्म ऑस्कर्स तक गई है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स रह चुके हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्म में अभी भी लोगों को उस तरह का एक विश्वास नहीं है या उस तरह का नज़रिया से नहीं देखते, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा तो बोल सकते हो आप कि बंगला मूवी मल्टीप्लेक्स में भी लगता है, भोजपुरी मूवी नहीं लगते हैं, लेकिन अभी ऐसा दौर चल रहा है कि भोजपुरी मूवीज़ भी मल्टीप्लेक्स में लग रहा है, ऐसे कोई तुलना नहीं कर सकते। देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नज़रिया अलग अलग होता है, जब आपका नज़रिया अलग सोचता है मेरा नज़रिया अलग सोचता है, तो हम लोग अपना नज़रें ठीक करेंगे, हम लोग अच्छा से देखेंगे तो सब चीज़ अच्छा होगा।
तो आपके जो भाषा है बंगाली, तो भाषा में भी वो नजर आता है, तो भोजपुरी बोलना कितना मुश्किल या कितना आसान? नहीं, मैं भोजपुरी बहुत अच्छे से बोलती हूँ। हमारे भोजपुरी बहुत मतलब बहुत अच्छा से बोले आवेला, तो हमरा लेखा भोजपुरी केहू ना बोल पाई। हम इतना अच्छा, हम घर में भी भोजपुरी में बतियावेली, तो इतना अच्छा भोजपुरी बोलेंगी कि हम अपना जो मेरा लैंग्वेज जो है बंगला, वो मैं भूल चुकी हूँ टोटली। और डेब्यू कब हुई थी आपकी और किसके साथ डेब्यू हुई थी, और क्या कहना चाहेंगे जो जितने भी कलाकार हैं, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, रवि किशन जी हैं, कौन ऐसा कलाकार आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, मतलब किसके साथ काम करना चाहेंगे, किसके साथ काम कर चुके हैं? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि किसके साथ काम करूँगी, किसके, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट रहे, तो मैं खेसारी जी के साथ काम कर चुकी हूँ। जिला चंपारण मूवी हम लोगों की आ चुकी है, जिसकी जो मूवी सुपर डुपर हिट रही है, और आगे पवन जी और दिनेश जी के साथ भी जो हम काम करना चाहते हैं उन लोगों के साथ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट और भगवान का दुआ। आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी एक्ट्रेस काम कर रही हैं, हिंदी फिल्म सबसे बड़ा मीडियम होता है, तो क्या कहना चाहेंगे, उनको मौका नहीं मिलता, तो आप उस चीज़ को क्या कहना चाहेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ के भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना पड़ता है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे है कि भोजपुरी से हटके भोजपुरी में रहते हुए भी वो हिंदी में कर रहे हैं। वो टैलेंट के ऊपर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपके पास सारी जगह, साउथ में, हिंदी में सारी जगह काम है। वो लोग टैलेंट खोजते हैं, तो टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। और इस प्रोजेक्ट के अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? मेरी आने वाली मूवी है 2019 में, मैं अभी बब्बर की शूट कंप्लीट की, 2019 का मेरा फर्स्ट मूवी, एंड इस मूवी को मैं करने जा रही हूँ, प्रेम तपस्या। और मेरी दो मूवी आने वाली है, एक है राधे जो रवि किशन जी एंड कल्लू जी के साथ है, और दूसरी मूवी है आपकी मिली तो मिली ना तो जय सिया राम, जो गोलू जी के ऑपोजिट में है। थैंक यू सो मच। किस तरह का ये तपस्या है, ये तो डायरेक्टर और राइटर ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जो हम लोग जानते हैं, प्रेम एक तपस्या है, तपस्या से प्रेम होता है, प्रेम अब उस प्रेम को हम ईश्वर से जोड़ते हैं, अपने दोस्त से जोड़ते हैं, भाई बहन से जोड़ते हैं, या प्रेमिका से जोड़ते हैं। तो प्रेम तपस्या अभी इसलिए तो जो लग रहा है, ये प्रेम तो लव स्टोरी वैसी जैसी लग रही है, लव स्टोरी वाली है प्रेम तपस्या। बहुत सारा तपस्या करने के बाद किसी को प्रेम नसीब होता है, उस तरह की फिल्म लग रही है। और इसके जो डायरेक्टर हैं राजेंद्र वर्मा जी, मैं उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। बहुत मेहनत के बाद एक फिल्म शुरुआत होती है और लोगों को काम मिलता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, कोई भी एक्टर हो, सबको, किसी को भी जो भी काम मिलता है, बहुत तपस्या के बाद काम मिलता है, बहुत मेहनत के बाद एक फिल्म शुरू होती है, उसके बाद में रिलीज होती है, कंप्लीट होता है, शूटिंग करते हैं सब, बस तपस्या ही है, तपस्या ही तो है ये सब। और ये हम सबका प्रेम है, अपने ग्लैमर के प्रति, अपने फिल्मों के प्रति, सीरियल के प्रति। हम लोग इतना प्रेम करते हैं अपने काम से कि हम लोग गांव समाज, यूपी, बिहार, राजस्थान, न जाने हर राज्य से आ करके, और यहाँ मुंबई में स्ट्रगल करते हैं, जूते घिसते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये सब हमारा प्रेम ही तो है। और इतने प्रेम, इतना प्रेम करते हैं, इतनी तपस्या के बाद जो हमें हासिल होता है, उसे बोलता है प्रेम। मोहिनी जी हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, और मोहिनी जी को मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। मोहिनी घोष जी बहुत अच्छी अदाकारा हैं, और जो हीरो हैं वो नए हीरो हैं, अच्छा काम, इनको भी बहुत सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद हो, मुबारक हो इनको। राजेंद्र वर्मा जी बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से ये फिल्म शुरू कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फिल्म मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और हीरो का भी काम कर रहा हूँ। जिस फिल्म में हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, और हमारे फिल्म संजय जी भी हैं, विश्वकर्मा राजेंद्र जी, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस फिल्म के लिए।
और फिल्म ऐसी है कि जो पारिवारिक है आप लोग फैमिली में और थिएटर में बैठ के देख सकते हैं फिल्म को, बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, संजीव जी बात कीजिए। सर लोग सबको प्रेम में कितना तपस्या तक किया है, जो इस प्रेम का कोई तपस्या नहीं किया, ये फिल्म प्रेम तपस्या है। सर ने कहानी लिखी और सर इस पर ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। सर सबसे पहले मैं और इससे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सोचो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज मुक्त स्वच्छ सुंदर भारत बनाओ, और अभी 30 दिसंबर को मुझे उस फिल्म के लिए 105 देशों के अंदर विश्व रिकॉर्ड हुआ है, ग्रीनिच बुक में मैं गया हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। उस फिल्म को दूसरे नंबर पर पूरे 105 देशों में अवार्ड किया, बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर के रूप में जूरी अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं उसके बाद उस फिल्म को आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ। देखा है बड़म परदेशिया, देखा है गंगा मैया भरदा शर्मा, हमारे जैसी फिल्मों को आप लोग देखते रहे हैं, उस भोजपुरी धरती से ये फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी है और पूरे परिवार के साथ इसको देखा जा सकता है। एक अजीब कहानी है, प्रेम में जो बल है वो कहीं नहीं है, प्रेम से किसी को जीत लिया जाए तो कभी हमसे दूर नहीं हो सकता। इसलिए इस फिल्म का सारा जो भी कुछ है डिटेल एकदम साफ सुथरा है, और जो भोजपुरी को मतलब इस तरीके से लोग अभी कह रहे हैं कि मतलब भोजपुरी का जो कल्चर है इतना डाउन हो रहा है, बलगर आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है सिस्टम, तो ऐसा कुछ नहीं है, सोच की जो है कमी है। मेरे साथ मेरे अपने बड़े भैया गुगरू जी हैं जो म्यूजिक के बादशाह हैं, संगीत की दुनिया में इनको एक मतलब मुकाम मिला है भैया का। आप हमारे साथ संजीव जी जो है भोजपुरी में एक बादशाह है, मैंने इनको फर्स्ट टाइम इनका जब बद्रीनाथ का टेलर देखा था तो मैंने निश्चित किया था कि मैं इनके साथ वर्क करूंगा। वैसे देखा जाए तो हीरो तो सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, पर गिने चुने ही नाम लिए जाते हैं, जैसे रवि जी हैं, अपने निरहू जी हैं, ये सब लोग हैं उस धरती से। हमारे सबसे परम जो है इसमें डीओपी जो है हमारे हीरा भैया जी, जो फर्स्ट टाइम हमको जाकर के आशीर्वाद उन्होंने हमारे गांव पे दिया। सर बात की जाए संदीप मिश्रा जी की, कैसे आंखें पोस्टर में दिख रही है, एक अजय देवगन की आंखें बोलती है बॉलीवुड में, यहाँ इनकी आंखें बोलती, क्या करें इनकी आंखों के कितना यूज करने वाला है आप? इस आंखों को मैं इतना यूज करने वाला हूँ कि इस भोजपुरी से निकल कर दुनिया के हर कोने में जाएंगे और संजीव मिश्रा का इनाम होगा, ऐसा कुछ मैं इस फिल्म को लेने वाला हूँ, और इस तरीके से इनको यूज करने वाला हूँ, आंखों से जो एक्सप्रेशन है वो भोजपुरी में भी एक ऐसा आ जाता है, कौन आ रहा है एक साउथ का लुक लेके ऐसा हीरो आ रहा है हमारे बीच, हम जो सभी लोग आप लोगों के माध्यम से सारे भोजपुरी दर्शकों के माध्यम से श्रोता के माध्यम से मैं इनको लेके आज उतर रहा हूँ। इनके साथ में जो है लीड कर रही है मोहिनी घोष है, और अपने जो है भोजपुरी के बादशाह संजय पांडे जी हैं जिनको मतलब आज हर फिल्मों में देखा जा रहा है, हर पोस्टर पे देखा जा रहा है, वो भी हमारे साथ हैं, और उसके बाद जो है मधु सिंह राजपूत हैं, जो है अपना पायल हैं, मतलब तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मतलब आप लोग ने देखा है, और ये पूरी तरह से एक बार आग्रह करूंगा और भोजपुरी दर्शकों से आग्रह करूंगा, भोजपुरी श्रोता के बंधुओं से आग्रह करूंगा, इस फिल्म को कंप्लीट होने के बाद जरूर देखिए, हर गाने के एंगल से लेकर के टिपिकल एंगल तक मतलब स्टोरी से लेकर के ए टू जेड कंप्लीट क्लाइमेक्स तक फिल्म जो है साफ सुथरी है। नदिया के पार को आपने देखा होगा जैसे, वैसे इस फिल्म को भी आपको प्यार दुलार देना पड़ेगा, उस लेवल की फिल्म मैं बना रहा हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं भविष्य में इस तरीके की फिल्म मेकिंग करूंगा। जय हिंद जय भारत। मैं इसका शूटिंग जो है यूपी में करने वाला हूँ, दिनेश लाल जी के घर से 5 किलोमीटर पहले जो है हमारा रितेश जिसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपने संजीव जी के साथ में, इस लड़के को एक और शैलेश जी लॉन्च कर रहा हूँ, तो इनके उनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी है मातृ के घर के, और गाजीपुर के अपना मोहब्बतपुर मनहारी ग्राम सभा में इस फिल्म को मैं शूट करूंगा। जी मुझे गाना करना है बाबा विश्वनाथ की नगरी में, जो है ये फिल्म है और उनके कदमों में है, और उनका आशीर्वाद मिला तो ऐसे ही पूरे दुनिया में छाएगी, और प्रेम तपस्या एक जो है मतलब अनोखी फिल्म होकर के निकलेगी और लोग उसको प्यार दुलार अर्पित करेंगे। सारे मीडिया भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपका सहयोग मिला तो मैं बहुत कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, और भैया मेरे साथ हैं गुगरू जी, पुनः मैं रीड करना चाहूँगा, मेरे संजीव जी को रीड करना चाहूँगा जिनका प्यार दुलार मिला, जो राजेंद्र कुमार वर्मा को टेक कर रहे हैं, मेरे भैया अभी हीरा भैया जी हैं जो सिनेमा फोटोग्राफर हैं, तो मेरे साथ हैं, इनका आशीर्वाद साथ है, मैं
बराबर हमने इन्होंने कहा कि तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे इतने सारे लोगों का सहयोग प्यार मिला है, तो निश्चित एक प्रेम तपस्या जो एक बल होकर के प्रेम में जो बल है वो कहीं नहीं है। हीरा जी क्या कहना चाहेंगे, आपने इंडस्ट्री को काफी वक्त दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं और इससे बहुत मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे, जो थोड़ा सा माहौल भोजपुरी का बीच बीच में गड़बड़ा जाता है उन इससे बहुत अच्छी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि उन्होंने अच्छी फिल्म बनाएंगे। धन्यवाद। गुरु जी आप क्या कहना, गीत संगीत किस तरह होगा, जैसे फिल्म का नाम है प्रेम तपस्या, प्रेम भी है तपस्या भी है, प्रेम में आपके लिए चैलेंज होगा। सबसे पहले इस फिल्म के टाइटल को लेके, अपने भाई संजीव जी को लेके और मेरे प्रिय बहुत ही पुराने मेरे मित्र हैं ये रविंद्र भाई और बहुत साल बाद इनसे मिला हूँ। फिल्म का टाइटल इतना सुंदर है प्रेम तपस्या, और ये इस फिल्म की शूटिंग का जगह मोहब्बत हो, आप समझ सकते हैं कि दोनों का इतना ज़्यादा तालमेल है। प्रेम तपस्या और मोहब्बतपुर के बीच में संजीव जो बनेगा कुछ ज़्यादा ही मधुर बनी है, कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर किया जाए। कितना नयापन होगा? सारा नयापन ही होगा, पुराने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। बाबा विश्वनाथ का जो प्रसाद है वो कितना देखने को मिलेगा म्यूजिक में? एकदम भरपूर भक्त से एकदम बहुत ग्रोथ होगा और हमेशा हर फिल्मों में एक नई कोशिश रहती है और इस फिल्म में ज़्यादा ही तपस्या करनी पड़ेगी, संगीत को लेकर हम लोग तैयार हैं। फिल्म के डायरेक्टर भैया हैं रजिला भैया और उनसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत साल बाद इनके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, पहली ही फिल्म है इनके साथ मैं कर रहा हूँ, इनका साथ मिलेगा तो शायद कुछ बेहतर कर रहा हूँ। संजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के, आपका क्या ओपिनियन है? किस तरीके का फिल्म को लेकर क्या फिल्म को लेकर प्रेम तपस्या से है तो क्या कहना चाहिए, जो पूरी टीम है जिसे डायरेक्टर सर ने बोला, गुरु जी ने बोला, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल पूरा बताइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाह रहे हैं? इसी फिल्म की शुरुआत जैसे सर ने बोला कि ये फिल्म जो है एक नई दिशा देगी भोजपुरी सिनेमा जो अब तक होता रहा जो छवि है उससे काफ़ी अलग हट पाओगे, जैसे म्यूजिक के माध्यम से हम अपना 100% देने के लिए तैयार हैं और पूरी टीम वर्क के पूरी टीम को लोग आप देखते हैं, पूरी टीम हमारी बैठी हुई है, अपना मैं अब बेहतर काम करूँगा, बेहतर से बेहतर करूँगा जैसा सर बोलेंगे और जैसा इनका आदेश होगा। बनाना तो सबको है, फिर क्या देख फिल्म में खड़ा हो एक अच्छा काम करेंगे, एक अच्छा सिनेमा बनाएंगे। तो भोजपुरी सिनेमा को लेकर आप कितना क्या कहना चाहिए, आपकी जो सोच है एज एक्टर क्या कहना चाहिए, जो बदलाव की बात होने वाली है? बदलाव तो हर जगह बदलाव होता रहता है, समय के साथ ही बदलाव होता है और हमारा सिनेमा ही बहुत बदला है पिछले 10 सालों में, देखते हैं चीज़ें बदलती हैं समय के साथ, कोई डेवलप चीज़ होती है और कोई डेवलपिंग होती है, तब बाकी सिनेमा से हम कंपेयर करते हैं वो लोग डेवलप है, वो लोग 100 साल से लगातार कर रहे हैं, हम लोग डेवलपिंग हैं, तो हम भी धीरे धीरे डेवलप की ओर जा रहे हैं, अच्छा हो रहा है सिनेमा हमारे लिए। एक और नया एक्टर लॉन्च हो रहे हैं आपके साथ, उनके बारे में क्या कहना? छोटे भाई हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा, अच्छा काम करूँगा। प्रेम तपस्या जब मैंने देखा कि यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है प्रेम तपस्या की, वो टाइटल ही मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं मतलब बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा, और हीरो हीरोइन को देखने के बाद मुझे उतनी ज़्यादा खुशी हुई। इवन हमारे डायरेक्टर साहब और म्यूजिक डायरेक्टर साहब की तो कोई बात ही नहीं, घुंघरू हैं और घुंघरू तो कहीं भी छलकता है तो समझ लो कितनी खुशी होती है। तो फिल्म का नाम भी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा हमारी भोजपुरी फिल्मों के नाम से अलग है इसलिए ये ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि इसमें प्रेम को किस तरह से हासिल किया जाए शायद यही इसकी कथा होगी, पटकथा होगी। मेरी बस ईश्वर से यही प्रार्थना है या मेरी शुभकामना यही है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरो हीरोइन सब लोग इस तपस्या में जीत जाए, सफल हो जाए। बस आप बताइए फिल्म में आप लीड एक्ट्रेस हैं, पार्वती जी से आपका इंस्पायरिंग रोल होगा तो कितना उसके लिए कुछ सोचा है कि वो शिव जी का रोल प्ले करें तो आपका पार्वती जी का रोल होगा तो वो तपस्या के उस टाइप का कितना क्या चैलेंजिंग होने वाला है? पार्वती अजी इंस्पायरिंग है आपका। सबसे पहले तो मुझे उसका नमस्कार,
आप लोग देख रहे हैं प्रेम तपस्या, तो प्रेम में तपस्या तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इस मूवी में प्रेम में तपस्या किया जाए। लेकिन इतना ही बोलना चाहूँगी, इतना ही बोलूँगी कि जैसे आप लोग नदिया का पार देखे थे बहुत सालों पहले, तो उसके बाद नेक्स्ट ये मूवी बनने जा रही है जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और हमारे डायरेक्टर सर को सारी चीज़ बोल ही दी है आप लोगों को, और आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए कि ये पूरे टीम जो हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पूरे टीम हम लोग को इतना प्यार इतना ही सपोर्ट दीजिए कि हम लोग इस मूवी को बहुत जल्द स्टार्ट करें और स्टार्ट टू फिनिश करें। संजीव जी मेरे को एक्टर हैं और मैं पहली बार उनके साथ काम करने जा रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक नई टीम के साथ जुड़ने जा रही हूँ। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि मैं एक नई टीम के साथ, एक नए डायरेक्टर, एक नए हीरो, एक नए प्रोड्यूसर, हमारे श्रेय जो मेरे बगल में बैठी हुई है, इनके साथ मैं इससे पहले एक मेरी मूवी आई थी जिला चंपारण की साड़ी जी के साथ, उसके बाद मैं सेकेंड टाइम मूवी बनी हूँ। वैसे इनका चर्चा मैं बहुत सुनी, तो मुझे खुशनसीबी होगा कि इनके साथ मैं काम करूँ। और मेरे पोस्टर जो है संजीव जी, उनके बारे में जितना तारीफ करूँ उतना ही कम रहेगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू डायरेक्टर, उनके एक्सपेक्टेशन में कितने खड़े उतरने वाले हैं? देखिए हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो डायरेक्टर का काम है कि कैसे सामने वाले से काम कराया जाए, और हम लोग अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं कि हम लोग उस काम को हम लोग सक्सेस करें। बाकी सर है तो सर बताएंगे आगे आगे कैसे कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से ये प्रेम तपस्या जो है हमारे डायरेक्टर साहब ने, बहुत ही डायरेक्टर साहब राजेंद्र कुमार वर्मा और राइटर भी हैं, और इस फिल्म के लिए मैंने सर से बोला तो बोले कि ठीक है हम लोग बनाएंगे और संजीव भैया के साथ बनाएंगे। तो हम लोग ने स्ट्रगल करते करते फिर संजीव जी से हम लोग मिले, तो बोले कि ठीक है हम लोग बनाते हैं। फिर मोहिनी जी हैं जो आपको बताई हैं, इसके पहले मैंने एक फिल्म किया था सोचो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 1200 सुंदर, जो कि 105-150 के बीच में तीसरा स्थान पर आया है। और इस फिल्म से ऐसे डेब्यू भी कर रहे हैं, और इतने बड़े बड़े जो कलाकार सब, मतलब प्रोड्यूसर भी हो आप, एक्टिंग भी कर रहे हो, कितना अपने आप को चैलेंजिंग मान रहे हो, क्या प्लानिंग है कुछ? देखिए चैलेंज तो सब लोग करते हैं, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब लोग यही सीखते हैं। लेकिन हमारे सबसे बड़े तो हमारे जो पिताजी हैं, अभी तो यहाँ पे नहीं है, हमारे गांव में हैं, उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत ही मेहनत की है। उन्होंने बोला बेटा बनाओ हम हैं, तो हम उनके कहे पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो हमारे माता पिता और जो हैं हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, मैं इनके भरोसे चल रहा हूँ और मेरी फिल्म यहाँ से पार हो जाएगी। एक नहीं मैं 100% बोल रहा हूँ कि मेरी फिल्म यहाँ तक कि एक ऐसी फिल्म है जो कि बहन बेटी भाई बहन आप सबके साथ हमारी फिल्म थिएटरों में देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं देख सकते हैं। शूट उट का कब से चालू हो रहा है? हमारा अंदाज है कि हम एक फरवरी से चालू करें। फिल्म में म्यूजिक जो टोटल कितने होंगे? हमारे फिल्म में 9 सॉन्ग हैं, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हमारे गुरु जी हैं और हमारे डायरेक्टर भी प्रदीप वर्मा जी हैं। तपस्या बहुत अच्छी टाइप, बहुत अच्छा टाइटल है, और इसके प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस ऑल हीरो एंड हीरोइंस, और हमारे सिनेटोग्राफर हीरा सरोज जी, जब मैं असिस्टेंट था तब से वो सिनेटोग्राफर के बड़े सिनेटोग्राफर हैं। सबको हार्दिक बधाइयाँ नए साल के साथ साथ, और फिल्म अच्छी बने, खूबसूरत। जैसे मैं भी वहाँ बैठे बैठे सुन रहा था जो इनका बायोडाटा मैंने सुना, मैं खुद हैरान हूँ इतने अच्छे टेक्नीशियन अब तक कहाँ थे, और बहुत बढ़िया फिल्म बनाए। और सबसे बड़ी खुशी बात है कि हमारे ही जन्म स्थान में जाके ये शूटिंग होगी, जहाँ से भोजपुरी की नदी बहती है, जैसे उन्होंने नदिया के पार की बात कही है, और नदिया के पार मेरे ख्याल से हम लोग बहुत छोटे से फायदा भी हुए थे नहीं पता रही, बट हमारे कानपुर देहात में ही शूट हुई थी, जो हम सुनते हैं जौनपुर कानपुर है ना, कानपुर में भी शूट हुआ है ना,
और मेरे ख्याल से वहाँ से फिर से एक प्रेम तपस्या पैदा हो, एक नया इतिहास बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरा हीरो संजीव बैठा हुआ है, जैसे उन्होंने कहा कि इसकी आंखों में जादू है। मैं जब से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने देश के काम तो नहीं किया हूँ, बट मैंने भी इसे हमेशा एग्जाम्पल दिया हूँ। जो सत्या में दूसरा हीरो था ना बंगाली, जो उसकी आंखें थी, जो उसके लुक थे, मैं देख के हमेशा उसकी याद आ जाती है। अब जो जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस किसी चीज़ की याद दिला देता है तो समझो वो चीज़ सक्सेस है। और हम सबके बीच हमारे सबसे बड़े दिग्गज रमेश गोयल जी बैठे हैं, हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से सिनेमा में, सोने के ज़माने से इनका लुक आज भी वैसा ही है और बड़े बड़े कलाकार हैं, इस फिल्म कर रहे हैं। मुनीम का कैरेक्टर आप बहुत अच्छा करेंगे, मेरी फिल्मों में मुनीम रह चुके हैं, उसमें माहिर हैं मुनीम जी। और बहुत अच्छा लगा ये फिल्म का टाइटल देख के, फिल्म बने। हर हर महादेव, सब लोग एक बार जोर से बोलेंगे हर हर महादेव, बस यही रहे। धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं टाइटल की तारीफ करूँगा, टाइटल बहुत अच्छा है, ये मेरा हीरो भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म के डायरेक्टर हीरा सरोज जी, जो कैमरामैन हैं, को एक्टर और हीरो, मेरी हीरोइन यहाँ पे पैन 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 या सर, सॉरी सॉरी, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस मूवी को। फिल्म अच्छे से बने और पब्लिक के बीच हिट, ब्लॉकबस्टर हिट। थैंक यू सर, थैंक यू। बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, आज मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरी है, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और यहाँ पर पूरा यूपी का माहौल है। तीन साल दो महीने से, मैंने तीन साल दो महीने से खाना ही नहीं खाया, नो लंच नो डिनर नो ब्रेकफास्ट। उसका रीजन ये है कि मैं अपने को बुढ़ापे में ढकेलना नहीं चाहता हूँ। ज़्यादा खाना जो है वो बुढ़ापे की तरफ जाना है। शक्ल से आदमी बुढ़ा हो जाए, कम से कम पैर चलने लायक रहे। जब तक आपके पैर चलते रहेंगे वो आदमी बुढ़ा नहीं है। बुढ़ा पैर न चलने के बाद होता है बुढ़ा आदमी। शक्ल से बुढ़ा कभी आदमी नहीं होता है, अगर उसके पैर नहीं चल रहे, चाहे वो 50 साल का है या 40 साल का है, वो बुढ़ा हो गया। तो इसलिए मैंने खाना छोड़ रखा है, तीन साल दो महीने हो गए और मैं स्वस्थ हूँ। पहले बीमार था, अभी मैं स्वस्थ हो गया हूँ खाना छोड़ने के बाद में। केवल फ्रूट्स, स्प्राउट्स, भाजी वगैरह, जो भी सब्जी हरी सब्जी होती है खाता हूँ। एनीवे, ये क्वेश्चन उन्होंने आउट ऑफ टॉपिक पूछा तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन आज मैं अपने लोगों में बैठकर बहुत अपनापन महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में काम करता हूँ, मुझे भोजपुरी फिल्मों में कोई काम देता नहीं है, क्योंकि मैं भोजपुरी बोल नहीं सकता हूँ। एनीवे, फिर भी मेरे लोग हैं, बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो टाइटल है ये अपने आप में एक कहानी है, यानी प्रेम तपस्या। प्रेम करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तो ये कहानी में ज्यादा बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है। रमेश जी, आप कितना साल तपस्या किए थे बताइए। मैंने वाकई बहुत तपस्या की, मैंने फिल्म इंडस्ट्री से प्रेम किया है, मैंने स्क्रीन से प्रेम किया है, मुझे स्क्रीन से प्रेम करते करते 44 साल हो गए हैं। और जब तक मैं जिंदा हूँ प्रेम करूंगा स्क्रीन से, फिल्मों से, चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, तमिल हो, तेलुगु, कोई लैंग्वेज हो, मेरे लिए तो भगवान कैमरा है। क्योंकि मुझे कैमरे ने यहाँ तक लाया है, अगर मेरे ऊपर कैमरा नहीं होता तो मैं यहाँ कभी नहीं बैठा होता। तो मेरा भगवान कैमरा है, इसलिए मैं सबको, क्योंकि मेरी सब न्यू जनरेशन है, मुझे 44 साल काम करते करते हो गया, शायद इतना सीनियर है, बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। इस लाइन में सिंसियरिटी चाहिए, सिंसियरिटी। अगर आप लापरवाह हैं तो आपको इस लाइन में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, मीन्स ये लाइन आपको स्वीकार नहीं करेगी। जो आदमी सिंसियर है उस आदमी को लाइन में बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा रमेश जी, शादी वगैरह किए कि नहीं बताइए। मेरे शादी हो गए, बच्चे हो गए, बहुत कुछ हो गया मेरे। पर मैं बता रहा हूँ, टाइटल इतना बढ़िया है, प्रेम तपस्या, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, फिर मत शुरू हो जाइएगा। तो प्रेम जो तपस्या के बाद आता है, तो मेरा प्रेम जो है स्क्रीन से है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, सरोज जी ने मुझे जो है सरोज जी ने इनवाइट किया, डायरेक्टर साहब ने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं
निश्चित रूप से मुझे भोजपुरी में जब भी बुलाया जाएगा मैं आऊँगा, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी मातृभूमि के आजू बाजू में ही ये फिल्में बनती हैं। थैंक यू सर। ज्यादातर शूटिंग यूपी में होती है, इसलिए मुझे बहुत लाइक है यूपी में शूटिंग करना। और नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह पागड़ी। थोड़ी देर पहले मैं इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर वर्मा जी को सुन रहा था और सुनते बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उनकी नीयत और सोच कि मैं नदिया के पार जैसी साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म में भोजपुरिया समाज को दूँ, वो बात मुझे बहुत पसंद आई। कम से कम आज के दौर में केवल मनोरंजन के पीछे ही, मनोरंजन तो बहुत ज़रूरी है, वो तो एक अभिन्न अंग है सिनेमा का, लेकिन अगर उसके साथ साथ कुछ बढ़िया मैसेज हो सामाजिक पारिवारिक और पूरे परिवार के साथ सिनेमा देखा जा सके, क्योंकि हमें याद है हमारा बचपन का दौर जब था तो हमेशा पिताजी टिकट्स लेके आते थे और पूरे परिवार को साथ में लेके सिनेमा दिखाने ले जाते थे, तो वो दौर कई बार अभी बहुत मिसिंग लगता है और बड़ी कमी लगती है कि केवल और केवल मनोरंजन के पीछे हम लोग जो है एक अंधी दौड़ की तरह, मतलब अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। तो कम से कम उससे अलग है कि मनोरंजन के साथ साथ कुछ बढ़िया सिनेमा पारिवारिक सामाजिक मुद्दे हों, कुछ अगर 150 रुपए का टिकट से लेके कोई जाए तो मनोरंजन के साथ में कुछ सीख के भी आए, कुछ लेके भी आए। खैर ये तो सब चलता रहेगा और मुझे सोच बहुत बढ़िया लगी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स गुप्ता जी को और डायरेक्टर तो राजेंद्र वर्मा जी हैं और प्रोड्यूसर्स हैं रितेश जी को, शैलेश जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पूरी टेंथ नमस्ते की टीम को, सारे जो टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं और हमारे छोटे भाई, इनके साथ कुछ मूवीज में पहले कर चुका हूँ तो हम दोनों का जो आपस में एक स्नेह है, एक रिश्ता है और पावर स्टार तो आप देख ही रहे हैं, पावर ही पावर है ऊपर से नीचे तक। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटे भाई के लिए भी और पूरी प्रेम नमस्ते की टीम के। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। संजय भाई, शायद वेब से रिलीज होने वाला पहला शॉर्ट फिल्म आया हुआ वेब को हमने दिया है, मैं वेब सीरीज में काम किया हूँ, ये मेरा दूसरी भोजपुरी फिल्म है और मैं इस फिल्म में दो गाने राइट भी किया है और सबसे बड़ी ये चीज़ बात है कि प्रेम तपस्या, कोई पूछता है भाई ये हिंदी मूवी है कि भोजपुरी मूवी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को कन्फ्यूज करते हैं हम लोग कि भाई हिंदी मूवी है या भोजपुरी मूवी, इसलिए टाइटल बहुत अच्छा है और मैं इस फिल्म में इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि अपना 100% से ज़्यादा एफर्ट दूँ ताकि अच्छा लगे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर हम लोग का हेल्प कीजिए, क्योंकि मीडिया ही भगवान होता है, मीडिया चाहे तो लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, इसलिए चलिए मैं यही कहूँगा धन्यवाद, इस तरह का आशीर्वाद है और इनके साथ में काम करना बहुत दिनों से चाहता था तो ये मौका मुझे मिला और सबसे बड़ी चीज़ कि संजीव भैया का मैं पोस्टर देखता था बद्रीनाथ के, इतना बार मैं ट्रेलर देख लिया, कब मिलेगा काम करने का मौका और आज मिल गया, इसलिए मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और मैम का भी कि हम लोग अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल इनका जो भी बोलेंगे बिल्कुल हम लोग अच्छा। थैंक यू सर।
विनय सिंह बागड़ी। प्रेम तपस्या की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और मैंने जो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं वर्मा जी, उनको मैंने सुना और सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह का सिनेमा वो बनाना चाह रहे हैं, एक साफ़ सुथरी फिल्म, नदिया के पार जैसी एक पारिवारिक फिल्म, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज के एक ऐसे दौर में जहाँ सब लोग केवल मनोरंजन के पीछे भाग रहे हैं, तो मेरा मानना ये रहा है कि मनोरंजन तो सिनेमा का एक अभिन्न अंग है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सामाजिक, कुछ देश को लेकर के, कुछ परिवार के जो मुद्दे होते हैं, कोई मैसेज होता है बढ़िया सा, कोई इस तरह की कोई सीख होती है जिससे आम आदमी का जीवन में कुछ सीखने को मिले, कुछ सहूलियत मिले, कुछ लेसन मिले, कुछ उसको एक बढ़िया सा कुछ एक आइडिया मिले कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई उलझन आती है, कोई मुसीबत आती है या कोई संघर्ष आता है तो उससे कैसे जूझें, तो उसके लिए बहुत प्रेरणा मिलती है, धैर्य भी मिलता है, साहस भी मिलता है और किसी भी मुसीबत से उबरने का एक हौसला भी मिलता है। तो ये जो हमारे वर्मा जी हैं, तो उनकी सोच और नीयत बहुत अच्छी लगी मुझे, और इसके साथ जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं शैलेश जी और गुप्ता जी, उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे छोटे भाई संजीव मिश्रा जी, जो बहुत ही हमारा उनसे स्नेह है, पावर स्टार है वो, तो जाहिर है उनकी कदकाठी देख करके, तो उनके लिए भी बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। सर, बोलना चाहता था कि आपकी मूवी अभी मार्केट में कितना आई है और 2019 में कौन कौन सी मूवी आई है, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, मैं शुरू से कई लैंग्वेज में काम करता आया हूँ, उसमें हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और टेलीविज़न भी करता आया हूँ मैं। तो काफ़ी साल पहले मैंने, जब महुआ चैनल लॉन्च हुआ था, तो 4-5 सीरियल्स मैंने लीड किए थे भोजपुरी लैंग्वेज में। उसके बाद कुछ 12-15 फिल्में भी की हैं मैंने, कुछ मेन लीड की हैं, कुछ नेगेटिव की हैं, कुछ सपोर्टिंग में किया है। और उसके बाद थोड़ा सा मेरा गैप हो गया, भोजपुरी में मैं नहीं कर पाया, थोड़ा हिंदी सीरियल्स वगैरह में, टेलीविज़न में मैं व्यस्त हो गया था, कुछ और भी कुछ कामों में व्यस्त हो गया था। लेकिन अगेन दोबारा से फिर मैं भोजपुरी की कई सारी मूवी कर रहा हूँ अभी आजकल। अभी एक बद्रीनाथ एक फिल्म कंप्लीट है और उसके डायरेक्टर हैं धीरू यादव जी, जो एक युवा और बहुत काबिल डायरेक्टर है, वो भी संजीव मिश्रा जी के साथ मैंने की है, संजय पांडे जी वगैरह उसमें हैं, और 2-3 फिल्में अभी फ्लोर में हैं। तो आई होप मैं फिर से एक मन बना चुका हूँ, मूड बना चुका हूँ और आगे वक्त बताएगा। सर, 26 जनवरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से सारे देशवासियों को, और देश के प्रति वफा, देश के प्रति जो प्रेम है वो सर्वोपरि है। आप कुछ भी करें, आपका प्रोफेशन कुछ भी है, लेकिन देश को लेकर के जो संवेदनाएं हैं उनको हमेशा बरकरार रखिए, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। सर, फरवरी के महीना को प्यार मोहब्बत का महीना बोलते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में ज़्यादा हमसे मत कहलवाइए, फिर अगली बार फिर बताएंगे आपको। हाय, मेरा नाम पायल रॉय है और भोजपुरी मूवी में सेकेंड बार काम कर रही हूँ और हीरोइन की फ्रेंड का रोल कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब पता नहीं ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो मैडम, आप 26 जनवरी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो तो सभी अच्छे और बोलते हैं। हाँ, सोचा मीन्स ऐसा जो सारे लोगों के साथ अच्छा काम करूं, कम से कम आगे जाके नाम तो करे और याद भी करे। और मैडम, लोग बोलते हैं कि फरवरी का महीना प्यार मोहब्बत का महीना होता है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक मेरा प्यार किसी से हुआ नहीं, होएगा तो बता दूंगी सबको। सबसे पहले तो परिचय जानना चाहूंगा आपका। मेरा नाम पायल रॉय है।
पायल जी कहना चाहूँगा, आज जो फिल्म है प्रेम तपस्या, इसका मुहूर्त हुआ, कितनी खुशी मिल रही है और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, फिल्म के अभिनेता के बारे में? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है और मैंने सुना इसमें प्रेम का रोल कर रही है और कॉमेडी भी बहुत है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कब करो बस वही सोच के। अच्छा, खुद क्या ना बताइए, आपका क्या बैकग्राउंड है अभिनय क्षेत्र में, कैसे? मैं तो प्रेम के रोल कर रही हूँ, हीरोइन के फ्रेंड का रोल कर रही हूँ। अच्छा, तो देखते हैं अभी आगे जाके। तो इससे पहले कौन सा प्रोजेक्ट में काम किया आपने? इसके पहले मैंने सारा हिंदी किया, एक खाली भोजपुरी मूवी किया था, वो सखी का भी, उसमें भी फ्रेंड का रोल ही किया था। लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन मैंने बहुत चुन चुन के मूवी कर दी भोजपुरी, होता है ऐसा। फर्स्ट मूवी जब किया था मैंने सखी का ब्याह, तभी भी मुझे अच्छा लगा था। ये वाला भी बहुत ही अच्छा है, मतलब फैमिली के साथ बैठ के देखने वाला मूवी है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आपका अनुभव कैसा रहा इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसा अनुभव रहा अभी तक का? मुझे तो जितने लोग मिले सारे लोग अच्छा है, उसके बारे में और क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। हिंदी वाले अच्छे नहीं है फिर? नहीं, हिंदी वाले तो और ज़्यादा ही अच्छे। मेरा कहना है जो मुझे जितने लोग मिलते सारे लोग अच्छे होते हैं। तो क्या आप खुद अच्छी हैं? इसके अलावा थैंक यू। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? हाँ जी, और कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें काम कर रही हैं? प्रोजेक्ट तो मेरा फोटोशूट वगैरह तो चालू ही रहता है, और सीरियल भी, अभी गुजराती मूवी का एक ऑफर आया है, बस अभी देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू। और ये फिल्म कहते हैं प्रेम और तपस्या, प्रेम तपस्या, हम तपस्या करेंगे तो प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा। अच्छा, और प्रेम नहीं करेंगे तो तपस्या नहीं हो पाएगा? दोनों है। और जैसे आपने पहले पूछा कि भोजपुरी, भोजपुरी अपनी अपनी सोच होती है, कहते नेचर, जैसे आपकी नेचर क्या बताता है, लोगों की नेचर क्या बताता है, लोग क्या समझते हैं, मुझे वो चीज़ नहीं। जैसे कहते हैं पायल, मैं कितना प्यार करता हूँ ये मायने नहीं रखता, ये कितना प्यार करते हैं वो मायने नहीं रखता। खुद क्या जानना चाहूँगा, आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं आगे क्या प्रोजेक्ट्स करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मेरी ये दूसरी फिल्म है, जैसे मैंने एक पहली फिल्म किया था सोचो, और वो फिल्म हमारी इंटरनेशनल अवार्ड मिला। उस फिल्म में मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया जिसमें किसान का कैरेक्टर है, और इंटरनेशनल अवार्ड आया, और 105 देशों के बीच में तीसरा स्थान पे आया। और ये मेरी दूसरी फिल्म है, इस फिल्म में मैं लीड कर रहा हूँ, पायल जी भी हैं और मधु जी भी हैं, और नाम तो नहीं जानता वैसे उनका भी। तो मतलब रोमांटिक पे पायल जी के साथ? जी, रोमांटिक है और लव स्टोरी है, और इतनी अच्छी फिल्म है कि आप पूरे फैमिली के बीच में, छोटा हो, बड़ा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, और कोई ऐसी शिकायत और कोई गिला और कोई शिकायत नहीं है। तो पर्दे पे रोमांटिक है ना, मतलब रियल में लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में तो नहीं है जैसा आपने, नहीं वैसे पकड़ना है तो हम तो भाई पकड़ ही लेते हैं। चलिए, और इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट करते हैं बताइए? जी, मेरा इस फिल्म में मैं लीड कर रहा हूँ, हीरो का, और संजीव जी भी हैं और हमारे शैलेश जी भी हैं जो कि लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सर आगे का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगली फिल्म तो मेरी सोच है कि मेरी अगली फिल्म आ रही है सिंदूर है बिहार का, क्या बात है, वो भी प्रोजेक्ट तैयार है, और इस फिल्म के बाद वो भी शूट करने वाला है। पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुधीर चंचल है, मैं ये राइटर और एक्टर हूँ। इस फिल्म में मैं इंस्पेक्टर का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। शायद माया जी मेरी सिस्टर हैं और ये उनके लवर है, ये तपस्या करेंगे तो मैं इनको रोकता हूँ। और इस फिल्म में मैं दो गाने राइट किया हूँ ना, बहुत खूबसूरत गाना है, आप लोग जब बनेगा देखिएगा। और मैं इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, राजेंद्र सर के नीचे काम कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छा फिल्म बन रहा है प्रेम तपस्या, मुझे बहुत अच्छा लगा। बैकग्राउंड रहे आपका? हाँ, बैकग्राउंड मैं काफ़ी शॉर्ट फिल्म किया हूँ, वेब सीरीज कर रहा हूँ अभी, और अभी हाल फिलहाल में इसी वीक मेरा शॉर्ट फिल्म हॉट काम वाली शौक घर वाली वेब से रिलीज हो रहा है, तब उसमें मेरा लीड मैं हूँ, और वेब सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं जल्दी। और इससे पहले हम हैं बच्चन ना, इसमें मैं काम किया हूँ भोजपुरी फिल्म में, वो अभी एडिटिंग में है, और अभी ये दूसरी मेरी मूवी है, बाकी दो तीन मूवी और मैं कर रहा हूँ। बताइए अपने बारे में, परिचय दीजिए, बताइए। हेलो सर, मेरा नाम शैलेश विश्वकर्मा है। हाँ। मैं पहली बार इस मूवी में कॉमेडी का रोल कर रहा, जो भी इनके साथ हमारा है, क्या है मतलब इनके साथ कॉमेडी का रोल? हाँ, तो इनका हमारा साथ रोल है। हाँ। और ये मूवी इतनी साफ सुथरी है, प्रेम तपस्या जो है इतनी मस्त मूवी है कि आप पूरे परिवार के साथ और बच्चे के साथ भी देख सकते हैं। अच्छा, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले क्या काम किया? इससे पहले हम शॉर्ट मूवी करते थे, तो इसे हमारे राजेंद्र सर जी हुए, रितेश हुए, चंचल भैया हुए, ऐसे लोग का साथ हमको मिला। अच्छा। और हम यहाँ तक पहुँचे।
थैंक यू।